उत्तर प्रदेश के बहराइच के पयागपुर में पारिवारिक विवाद को लेकर भतीजे ने अपने चाचा और चाची को फावड़े से काट डाला, जिससे चाचा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चाची ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पूरी घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी मची हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जैसे पानी लगा था तो पानी उनके घर में चला गया था, तो उसने गाली दिया तो कहीं गाली मत दो, तो कहता गरिया ने तो कहीं न गरियाओ, वो पहुंचे फरवा मार दिए। कौन कौन फरवा मार दिए? रंजीत और सुलीन और छोटू और उनका बाप इंदर। पूरा जो सर हम वहां से आए तो मौके पे देखा लाश पड़ी, वो चार लोग फरसा और भाला लिए और फावड़ा उसको काटने के काट के साले वहां गए खड़े और गाली गरोल दे रहे थे। कौन कौन थे? सुनील है, एक छोटू और एक रंजीत इंदर, चार लोग। बीती रात लगभग 9:30 बजे थाना पयागपुर के ग्राम चंदवापुर में चाचा भतीजे के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें कि घटना से पूर्व भतीजा अपनी पत्नी को मारपीट और गाली गलौज कर रहा था। चाचा ने आकर के बीच पड़ाव किया, जिसमें कि भतीजे ने क्रोधित होकर के उनके ऊपर फावड़े से वार कर दिया। बीच बचाव में आई चाची को भी चोटें लगी। इस घटना में चाचा की मौके पर ही मृत्यु हो गई है तथा इलाज के लिए लाई गई चाची को बहराइच से लखनऊ रेफर किया गया था। रास्ते में पता चला है कि उनकी भी मृत्यु हो गई है। मृतक के पुत्र की तहरीर पर इसमें हत्या और हत्या के प्रयास का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना हैं। मौके पर शांत व्यवस्था बनी हुई है तथा इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। बता दें कि पयागपुर के श्याम मनोहर मोटर से अपने खेत में पानी लगा रहे थे, इसी बीच नाले का पानी पड़ोसी छोटू के घर चला गया। इसी मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया। ये भी पता चला कि छोटू अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था, चाचा उसे बचाने के लिए गया था, तभी विवाद इस कदर बढ़ा कि भतीजे ने फावड़े से अपने चाचा चाची को काट डाला। पंजाब केसरी टीवी के लिए बहराइच से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट।